मुजफ्फरनगर जनपद में 2022 के चुनाव में पहली बार चुनाव प्रचार करने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे जयंत चौधरी ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए 2022 में गठबंधन की सरकार बनने की घोषणा की। आपको बता दें कि खतौली में बैंक्वेट हॉल में संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने गठबंधन प्रत्याशी राजपाल सैनी के समर्थन में वोट डालने की अपील की। बुढ़ाना में गठबंधन प्रत्याशी राजपाल बालियान को किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए आगामी 10 तारीख को भारी मतों से जिताकर सदन में भेजने की अपील की। जो रोज खेलवाड़ हो रहा है वह समाप्त होगी और आज जो सरकार चल रही है आपने वो दृश्य देखे, कोई छोटी बात नहीं जो पटना और इलाहाबाद में हुआ। नौकरी नहीं दे सकते तो लाठी क्यों दे रहे हो? युवा पे जब लाठी पड़ती है उस नौजवान पे जो कोई तैयारी कर रहा है, किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, पढ़ाई लिखाई में वो नौजवान लगा हुआ है, वो सपना देख रहा है अपने लिए और अपने लिए ही अपने परिवार के लिए। ऐसे युवाओं पे, प्रतिभाशाली नौजवानों पे जब लाठी पड़ती है, ये लाठी सिर्फ एक नौजवान पे नहीं पड़ रही, ये लाठी हमारे आने वाले कल पे पड़ रही है, हमारे देश के भविष्य पे पड़ रही है। कितने घमंडी लोग बैठे हैं जिन्हें सब दिखता नहीं है। कल रात से खबर चलाई जा रही है कि बहुत बड़ी बैठक हुई दिल्ली में, ये लोग कहां गए थे जब लखीमपुर में किसानों को कुचला गया, रौंदा गया, पशु भी होगा तो आप इस तरह से गाड़ी, कोई इंसानियत रखने वाला कोई भी इंसान इस तरह की वारदात नहीं होने देगा जिस तरीके से आप किसानों को रोक के गाड़ियां चले। और आज भी वो लोग मंत्री बने बैठे हैं, आज भी सुशोभित किया जाता है उनको, मंचों पर उनका सम्मान रखा जाता है। ये लोग कहां थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? छोड़ जाओ, कुछ ज्यादा नहीं, मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलटा हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता की जो मूल समस्या है उनका हल कैसे निकाला जाए? आप तो सरकार सुनती नहीं, मैं तो खुल के कह रहा हूं उत्तर प्रदेश की इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, मैं खुल के कह रहा हूं और स्वीकार रहा हूं बात कि हम लोग सत्ता में भी आ जाएंगे तो हम प्रयास करेंगे ईमानदारी से, लेकिन मैं ये इतना अहंकार मेरे दिल में नहीं कि मैं कह दूं कि सारी समस्या खत्म हो जाए, सबको नौकरी मिल जाए, नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन कम से कम हमारी सरकार में कोई पुलिस वाला अगर लखनऊ में आप बात करें बनके उम्मीद रखते अपनी सरकार से मांग रखने आते हो, कोई आंदोलन करते हो, किसी नागरिक की हिम्मत नहीं होगी तो कोई लाठी चल। आज आप वेस्ट यूपी के दौरे पे हैं, विधानसभा का दौरा किया है, कितना जनसमूह अपार जनसमूह मिल रहा है? देखिए बहुत एक एक उत्साह है लोगों में, एक एक नया एक्साइटमेंट, एक जोश देखने को मिल रहा है और लोग चाहते हैं कि परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हो। ऐसा समीकरण मैंने कई चुनाव में बनता नहीं देखा जिस तरह का माहौल आज है। कल गृह मंत्री ने एक बड़ी मीटिंग बुलाई है जो जाट नेता है, उन्हें कितना प्रभाव पड़ेगा? नहीं, बड़ी मीटिंग नहीं, छोटी मीटिंग थी और ये हर चुनाव के पहले इस तरह की कोशिश करते हैं। ये उनका चुनावी पैतरा है, ये चुनावी षड्यंत्र है। उन्होंने जिस वर्ग का सम्मान का कोई ख्याल नहीं रखा, उत्पीड़न किया, किसान है वे, किसान के काम नहीं किए सरकार ने, ना तो राज्य सरकार ने किए, ना ही केंद्र सरकार कर। तो आज जब एक विरोध हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, गाँव में बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा, उसको काबू में लाने के लिए उन्होंने सब ढोंग किया और कुछ नहीं। कल प्रदेश अध्यक्ष दौरे पर थे, उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन की अखिलेश किस तरह आती है तो राम मंदिर पर अखिलेश बुलडोजर चलवाने काम करेंगे, कितने सहमत हैं? देखिए इनके अनाप शनाप, इनके बयानबाजी है, मैं इनका क्या जवाब दूँ, जनता ही जवाब दे। हम विश्वविद्यालय के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे, विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, ये औरंगजेब, जिन्ना और राम मंदिर, इसके अलावा कुछ है इनके पास? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।